Till now we are discussing all patterns based on stars, but in that case we want to discussing patterns related to numbers or digits. अगर आपको पैटर्न डिजिट्स या नंबर्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, इस टाइप की प्रैक्टिस करें सम एग्जांपल्स। इस केस में अगर शेप की बात करें, शेप ऑलरेडी डिस्कस करें हम, इसे शेप को डिजाइन करने के लिए, जैसे इस केस में गिवन शेप क्या है, राइट अपर लेफ्ट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर्स कैसे हैं, स्पेस बेस्ड, रिमेनिंग्स आर डिजिट बेस्ड। या डिजिट और नंबर्स के केस में प्रीवियस केसेस में डिस्प्ले कराया था स्टार, लेकिन इस केस में क्या है, हम डायनेमिक वैल्यूज एवरी टाइम, इस डिजिट भी फिक्स्ड डिजिट्स हैं, चेंजेबल चेंजेबल, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे डायनेमिक वैल्यूज। जब भी पैटर्न्स के फॉर्म में डायनेमिक वैल्यूज नंबर्स के फॉर्म में रिक्वायर्ड है, इस केस में ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे एवरी टाइम विद रिस्पेक्ट टू आई एंड जे, बेस्ड ऑन आई जे। लेकिन इस केस में जहां भी आपको स्पेस रिक्वायर्ड हुआ, अभी लॉजिकली फर्स्ट टाइम शेप को डिजाइन करने की लॉजिक कैसा हुआ, सेम है, सेम है बेस्ड ऑन स्टार्स। इस केस में अगर डिस्कस करें फर्स्ट केस, सम प्लेसेस पर रिक्वायर्ड क्या, हमें से इस केस में भी अगर देखा जाए तो टोटल टू पॉसिबल केस होंगे, या तो आपको एट ए टाइम स्पेस डिस्प्ले करानी नीड है, या फिर नंबर्स, मीन्स प्रीवियस केस में क्या था, आइदर स्पेस और स्टार, लेकिन इस केस में स्टार को किससे रिप्लेस किया गया, सम नंबर्स, मे बी वैल्यू ऑफ आई और वैल्यू ऑफ जे और ऑपरेशंस अप्लाइड अपॉन आई एंड जे। मीन्स यहाँ स्टार का कोई भी रोल नहीं हुआ, मीन्स स्पेसिस को मैनेज करने के लिए कंडीशंस कैसे हैं, वो सेम एज प्रीवियस कंडीशन, इसलिए इस केस में मैंने कोड ऑलरेडी राइट डाउन किया है, मीन्स फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ एन, एन इस केस में कंसिडर किया जाए नंबर ऑफ रो, अगर फोर रो के केस में आपको डिस्प्ले करना देना एन का वैल्यू एंटर करें फोर एंड फाइव लाइक दैट रिक्वायर्ड, अगर फोर रो एंड देन कॉलम्स कितने हैं सेवन, इसलिए कॉलम्स के लिए कंडीशन क्या, सेम एज प्रीवियस, सेम एज लेफ्ट अपर केस और राइट अपर केस, इन दोनों केसेस में स्पेस रिक्वायर्ड, इसका कंडीशन में ऑलरेडी आपको स्टार्स के पैटर्न्स में प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया था, इसलिए इफ कंडीशन है स्पेसेस के लिए मैंने ऑलरेडी राइट डाउन किया है, ओनली कंडीशंस किसके लिए मैनेज करना है, फॉर डिजिट्स। लेकिन डिजिट्स के केसेस में अगर चेक करें, इसके इसमें एक प्रॉपर सिक्वेंस है, अगर आपको डिजिट डिस्प्ले कराना तो फर्स्ट वन, फर्स्ट रो के केस में आई का वैल्यू क्या होता है, दिस वन इज अ वैल्यू मैनेज टू इन द फॉर्म ऑफ आई, अगर आई का वैल्यू वन है देन डिस्प्ले कहाँ से कराना है, पहली बार फर्स्ट टाइम स्टार्ट कहाँ से कराना है, आई से, देन सेकेंड रो के केस में आई का वैल्यू क्या है, टू, इसलिए स्टार्टिंग भी कहाँ से करना है, टू से, सेम एज जब आई का वैल्यू थ्री है, वैन एवर आई इज थ्री, देन रो का इनिशियल वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट करना है, थ्री से, सेम एज आई का वैल्यू अगर फोर है देन इनिशियल वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट करना है, फोर से, सेम एज अगर आई का वैल्यू फाइव होता है देन स्टार्ट भी कहाँ से करना होता है, समथिंग फाइव, दिस इज द रिलेशन, मीन्स एवरी टाइम जब वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू मैच किस तरह आई से, आई के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। लेकिन इस केस में एक और थिंग क्या है, मीन्स अगर इस केस में नंबर ऑफ रो कितने हैं, इफ एन इज फोर, इस केस में एन के लिए जब तक आई का वैल्यू, सॉरी जे, दिस वन इज अ जेथ वैल्यू, जे का वैल्यू वन है, टू है, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, जब तक जे का वैल्यू या तो फोर से छोटा या फोर के इक्वल है, उस केस में एवरी टाइम इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग नंबर्स डिस्प्ले कराना है, जैसे ही जे वैल्यू एन को क्रॉस करता है देन इसके जस्ट बाद डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में अगेन टू पैटर्न्स परफॉर्म हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो टू ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए ये एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करेंगे, समथिंग वेरिएबल एज के, हियर वी हैव रिक्वायर्ड वन मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल समथिंग के। नेक्स्ट वन, एवरी टाइम जैसे वैल्यू डिस्प्ले होना स्टार्ट है, फर्स्ट वन, सबसे पहले इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, इफ के केसेस में इससे मैनेज किया हुआ स्पेस, अगर एक कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है देन इसका मीनिंग क्या है, दैट पार्ट ओनली, इस केस में नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, else if, इस केस में अगेन पैटर्न टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, या तो पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब तक ग्रो कर रहा है, जब तक j का वैल्यू या तो n से छोटा या n से n के इक्वल है, इस फर्स्ट टाइम इस केस में n का वैल्यू क्या है, फोर, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू, सॉरी जे का वैल्यू क्या हुआ, वन, टू, थ्री, फोर, जैसे जे का वैल्यू फोर हो जाएगा उसके जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम क्या है, फाइव, इसलिए कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, मीन्स व्हेन एवर जे इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, इस केस में एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में फर्स्ट टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर आई का वैल्यू वन है, सपोज दैट इफ आई वैल्यू इज वन, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से कराना है, वन से, अगर आई का वैल्यू टू हो रहा है उस केस में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, टू से, देन टू थ्री लाइक दैट, आई का वैल्यू अगर थ्री है देन स्टार्टिंग कहाँ से कराना है, समथिंग थ्री,
then 4, then 5 and so on like that. मीन्स एग्जैक्टली सभी रो में इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई से. इसलिए जब भी कोई वैल्यू इस केस में डिस्प्ले कराएं, डिस्प्ले क्या कराएं, मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से कराएं, आई से. तो उसके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू यूज किया था कि एवरी टाइम इस फोर लूप के अंदर जनरली मैं टू इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करूँ इन साइड इनर फोर लूप. इस केस में टू इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुई, जे इक्वल्स टू वन एज वेल एज के. के का इनिशियलाइजेशन एवरी टाइम किससे कराना है, आई से. और वी कैन से के इक्वल्स टू आई माइनस वन. या फोर लूप के लिए मैं अगेन फिर से रीराइट कर रहा हूँ, फोर आई इक्वल्स टू सॉरी फोर जे इक्वल्स टू वन देन कंडीशंस फोर के. के के लिए इनिशियलाइजेशन बाद में राइट डाउन करें, यहाँ कॉमा आएगा ना कि सेमी कॉलन. इसका कंडीशन क्या रहेगा, कंडीशन कैसे सेम एज प्रीवियस. लूप कब तक चलाना, जब तक जे का वैल्यू 2n से छोटा है, 2 इंटू एन देन जे प्लस प्लस. इस केस में k का इनिशियलाइजेशन किससे हुआ, i से. k इक्वल्स टू आई. फर्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 1 होगा तो k में क्या इनिशियलाइज होगा, 1. सेकेंड टाइम जब इनर लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम आउटर लूप कंप्लीट होने के जस्ट बाद, देन i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2. k में इनिशियलाइज भी क्या होगा, k, सो 2. इसलिए स्पेस पर डिस्प्ले क्या करा सकते हैं, जब तक i का वैल्यू n से छोटा है, वन थिंग्स एवरी टाइम के का स्टार्टिंग का के कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई से. देन प्रिंट एफ में डिस्प्ले क्या कराएंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी. इंटीजर नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे परसेंट डी. देन डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ के. देन फर्स्ट टाइम के का वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, 1. सेकेंड टाइम के का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 2. देन 3. 3 प्रिंट होने के जस्ट बाद देन k में डिक्रीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, प्लस इस केस में 3 का प्रिंट होगा जब j 4 हो चुका होगा. नेक्स्ट टाइम j का वैल्यू जब 5 होगा देन ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाए. लेकिन इससे पहले एवरी टाइम डिस्प्ले क्या कराना है, वैल्यू ऑफ k. लेकिन k में भी एवरी टाइम 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए k में इंक्रीमेंट कराना कंपलसरी. इस केस में मैं राइट डाउन कर रहा हूं एज प्लस प्लस k. k का ऑलरेडी वैल्यू फर्स्ट टाइम जब i वैल्यू 1 होगा उस केस में k में भी क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, एज अ 1. लेकिन प्री इंक्रीमेंट होगा तो प्री इंक्रीमेंट से k की वैल्यू क्या हो जाए, 2. और फर्स्ट टाइम डायरेक्टली क्या डिस्प्ले हो जाए, 2. इसलिए इस प्लेस पर राइट डाउन क्या कर सकते हैं, समथिंग प्लस प्लस k देन इन दैट केस. इस केस में इनिशियलाइजेशन अगर राइट किया जाए लाइक k इक्वल्स टू y माइनस 1, दिस इज परफेक्ट इनिशियलाइजेशन बिकॉज फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या होगा, 1. 1 माइनस 1 इज 0. k में फर्स्ट टाइम कैसा होगा, 0. 0 में इंक्रीमेंट होगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. सेकेंड टाइम जब इनर लूप में i में इंक्रीमेंट हो जाएगा देन i का वैल्यू क्या होगा, 2. 2 माइनस 1, k का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1. लेकिन इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. नेक्स्ट टाइम 3 एंड सो ऑन. इसलिए परफेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या है, प्लेस पर i माइनस 1. मीन्स इट इज सिमिलर टू 0. फर्स्ट टाइम 0, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2 लाइक दैट. देन जैसे ही j का वैल्यू n को क्रॉस करेगा देन डिक्रीमेंट कराना स्टार्ट करना होगा. इसलिए इस केस में राइट डाउन क्या करेंगे, एल्स के फॉर्म में, एल्स प्रिंट एफ, एल्स प्रिंट एफ सेम केस कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी राइट डाउन करना पॉसिबल. इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, प्री डिक्रीमेंट इस माइनस माइनस के. देन लाइन चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, प्रिंट एफ स्लैश एन चेंज द लाइन देन क्लोजिंग आउटर लूप क्लोजिंग मेन फंक्शन. इस गिवन कोड के थ्रू एन के किसी भी वैल्यूज के लिए सेम पैटर्न मैनेज करना पॉसिबल है.